चलिए बात करते हैं शिबा इनू के बारे में, जिसमें काफी अच्छी खासी हाइप बनी हुई है। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इसके प्राइस में 30-40% मतलब प्राइस पंप हुआ था। इनफैक्ट अगर आप कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको की लिस्ट देखेंगे तो ट्रेंडिंग कॉइन की लिस्ट में भी इसका मतलब शिबा इनू का नाम है। आज की बात करूं तो आज भी शिबा इनू ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। चलिए देखते हैं ऐसी मतलब क्या बात हुई है कि मतलब ये कॉइन में इतना हाइप आया, कॉइन में इतना पंप आया और ये ट्रेंडिंग कॉइन के लिस्ट में है। सो वीडियो शुरू करूं उससे पहले, चैनल में अगर आप नए हो या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो टाइम टाइम पे मिलती रहे। सो दोस्तों, जो हाइप शिबा इनू में आई थी आजकल आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली उसके इकोसिस्टम में जो रिसेंटली लॉन्च किया गया प्ले टू अर्न गेम से शिबा एटर्निटी, जो कि एक कार्ड करेक्शन गेम है, उसके कारण मतलब शिबा इनू के प्राइसेस में उसके नेटू टोकन में इतनी हाइप आई है। जो शिबा एटर्निटी है, तो जो शिबा इनू की जो टीम है, इसने बीटा टेस्टिंग जो है iOS यूजर यानी एप्पल के यूजर्स के लिए शिबा एटर्निटी का गेम का जो बीटा टेस्टिंग है वो लॉन्च कर दिया है वियतनाम में। वियतनाम ये वही कंट्री है जहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी ने भी अपना पहला गेम लॉन्च किया था और उसको काफी अच्छा खासा सक्सेस मिला था। तो वही देख करके शिबा इनू की टीम ने भी वियतनाम में शिबा एटर्निटी का जो बीटा टेस्टिंग है वो एप्पल यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया। और जो शिबा इनू गेमिंग के टीम के जो हेड है, उन्होंने ये कहा है कि जो डेवलपर्स है उन्होंने सर्वर कैपेसिटी जो है वो 50 टाइम्स एक्सपैंड किया हुआ है। वो सर्वर कैपेसिटी 50 टाइम्स क्यों एक्सपैंड किया है? ताकि जो भी प्लेयर्स है वो अच्छा खासा मतलब गेम आराम से खेल सके और सभी प्लेयर्स को मतलब मौका मिले और जो सर्वर कभी क्रैश ना हो या सर्वर स्लो ना हो, जिसके कारण मतलब लोग गेमिंग का एक्सपीरियंस ना ले सके। अभी 50 टाइम्स उन्होंने सर्वर क्यों एक्सपैंड किया है? क्योंकि जो रिस्पॉन्स है टीम को काफी अच्छा मिला है और उन्होंने सोचा नहीं था कि उनको मतलब इतनी अच्छी रिस्पॉन्स मतलब टीम से मतलब लोगों से कम्युनिटी से मिलेगी। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है इस गेम को लेकर के। उन्होंने ये कहा है कि मतलब जो टीम के हेड है शिबा इनू गेमिंग के टीम को जो हेड है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगा जब ये बीटा लॉन्च हो जाएगा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। मतलब अभी तो आज के डेट पे केवल एप्पल के यूजर्स इसको डाउनलोड करके मतलब बीटा लॉन्च पे मतलब टेस्ट कर सकते गेम को, बट जैसे एंड्रॉइड के भी अलाउ किया जाएगा तो एंड्रॉइड के यूजर्स भी जब मतलब इस गेम को एक्सेस कर सकते हैं, बीटा लॉन्च जब उनके लिए किया जाएगा तब ये गेम का एक्साइटमेंट जो है वो मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो भी रेवेन्यू ये शिबा इनू गेम से कमाएंगे, वो जो भी पैसा कमाएंगे वो सब पैसे को ले करके वो जो शिबा इनू के इकोसिस्टम में जो भी टोकन है उसको बर्न करने में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी को इससे कितना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब टोकन बर्न होंगे तो हम सभी को पता है डिफ्रेस्टरी हो जाएंगे, जिसके कारण इसके प्राइसेस जो मतलब वो राइज होंगे। अब इसी के बीच शिबा इनू के जो मेन डेवलपर है सितोशी कुसामा, उन्होंने भी एक शाउट आउट कर दिया है जहाँ पे उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में इंडोनेशिया का नाम मेंशन किया हुआ है। अब इससे स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया कि ये जो गेम है जो बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है एप्पल यूजर्स के वियतनाम में, अब आगे चल करके ये बीटा वर्जन जो है वो क्या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नेक्स्ट होगा, मतलब इंडोनेशिया का जब उन्होंने नाम लिया है तो अभी कम्युनिटी को ये लग गया कि ये जो बीटा लॉन्च है वो अभी इंडोनेशिया में भी जो इंडोनेशिया के जो कम्युनिटी है क्रिप्टो कम्युनिटी है उनके लिए भी मतलब लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस गेम के लिए जो टीम है पीछे 9 महीने से मतलब लगी हुई थी मतलब ये गेम को डेवलप करने के लिए। शिबा इनू की जो टीम थी पीछे 9 महीने से मतलब ये गेम को डेवलप कर रही थी। ये गेम बेसिकली इन्होंने प्ले साइड स्टूडियो जो है इनके पार्टनरशिप में मतलब डेवलप किया हुआ है। सो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट्स शिबा इनू के इकोसिस्टम शिबा एटर्निटी गेम को ले करके, और यही रीजन है कि इसके ह्यूज रिस्पॉन्स के कारण आप देखेंगे कि शिबा इनू के टीम को जो मिला है वो काफी ट्रेमेंडस है। शिबा इनू की टीम ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलेगा, और जो अर्निंग्स है उसे शिबा इनू के इकोसिस्टम का नेटिव टोकन भी बन किया जाएगा। यही रीजन है कि ये कॉइन में इतनी हाइप आई थी। कुछ रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले इसमें 30-40% पंप आया था और मतलब ये ट्रेंडिंग कॉइन के लिस्ट में भी है। सो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।